छात्रों और छात्राओं असल में सामान्यतः विद्यालयों में जाना कम होता है वैसे कभी मैं ऐसे ही एक विद्यालय का प्रधानाचार्य था बारहवीं कक्षा तक का एक विद्यालय चलता था और मैं प्रधानाचार्य था और मैं वहां केमिस्ट्री पढ़ाता था भूल तो गया अब तो सातान रह गया है वृद्धि राधे छतेंगु रह गया वो तो तुम्हारी समझ में नहीं आता है तो समझ में तो तुम्हारी ये भी नहीं आता है ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज्यादा समझ में आ जाए आप रटते तो रहते हो टेंटा इज इक्वल टू साइन थीटापोन कोस्थीटा कोट थीटाइज इक्वल टू कोस्थिटापोन साइन थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू वन अपन कोसेक् थीटा कोसेज इक्वल टू वन अपॉन साइन थीटा लेकिन असल में तुम्हें आज तक पता नहीं चला साइन थीटा किसकी माँ है और कोट थीटा किसका बाप है ना तो तुम्हें यह पता कि थीटा क्या है ना ये फाइ क्या है अच्छा थाई और थीटा फीटा होते क्या है इनका मतलब क्या है कमाल की बात है आज तक मुझे भी पता नहीं चला है पढ़ते तुम भी रहे हो पढ़ता मैं भी रहा हूं लेकिन अच्छा एक चीज और है पढ़ने वालों में भी अच्छे पढ़ने वालों में रहा हूं तब पता नहीं चला थीटा कौन था आज थोड़ी सी चर्चा आपके बीच में करूंगा आज एक प्रसिद्ध उत्सव है जो पूरे देश में मनाया जाता है नाम है बसंत पंचमी अच्छा बसंत पंचमी को आपने नाना प्रकार के तरीकों से जाना है पढ़ा है यहाँ साइंस स्ट्रीम है ना विद्यालय में साइंस स्ट्रीम है आपने बसंत पंचमी को बहुत तरह से पढ़ा है बहुत तरह से जाना है घरों में ये मनाया जाता है सामान्यतः हिंदू परिवारों में सरस्वती पूजन करके इस त्यौहार को मनाया जाता है और यह माना जाता है कि आज सरस्वती पूजन का दिवस है बसंत पंचमी कुछ लोग इसे बसंत पंचमी को फसल के आगमन की सूचना मानते हैं नई फसल आएगी मतलब गेहूं का शुरुआत हो रही है गेहूं बढ़ने लग रहा है शायद हरियाणा में तो गेहूं हो सकता है पूरा बड़ा हो गया हो उत्तर प्रदेश में हमारे यहां बाद में गेहूं बोते हैं और एक ही फसल लेते हैं गेहूं हमारे यहाँ बोया नहीं जाता उपयोग में नहीं आता इसलिए गेहूं बहुत थोड़ा बोया जाता है तो वहां अभी गेहूं जमीन से निकलने लग रहा है पर मैं समझता हूँ आपके यहाँ गेहूं जवान हो गया होगा हरियाणा में आपके यहाँ कटाई भी जल्दी हो जाती है तो ये फसल के आगमन की सूचना भी है तो ये लोग मानते हैं कि असल में बसंत पंचमी जो है वो फसल से जुड़ा हुआ त्योहार है ऐसा माना जाता है लेकिन आओ थोड़ा सा गणित तुम्हें पढ़ाता हूं तुमने बहुत टें थीटा कोस थीटा पढ़ा है तुमने बड़ा ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा है लेकिन आओ आज मैं तुम्हें गणित पढ़ाता हूं कि गणित असल में क्या है जानते हो तुम जिस उम्र में कुछ नहीं जानते हो उस उम्र में हमारे यहां जब शिक्षा व्यवस्था अपनी थी स्वदेशी शिक्षा व्यवस्था थी आज जो पढ़ते हो विदेशी शिक्षा व्यवस्था है बुरा नहीं मानना अध्यापक माने ना अध्यापिकाएं माने ना छात्र माने ये नहीं मानना कि मैं आपको यह आरोपित कर रहा हूं कि आप एक विदेशी शिक्षा को चला रहे हैं और विदेशी शिक्षा में पढ़ रहे हैं क्योंकि मैं खुद इसी विदेशी शिक्षा में पढ़कर बड़ा हुआ हूं तो साइंस ग्रेजुएट हूं उसी तरह से पढ़ा हूं जैसे तुम लोग पढ़े हो तो ऐसी कोई विशेष बात नहीं है लेकिन जो गुण दोष है उनका आकलन करना विश्लेषण करना बहुत जरूरी होता है जब हमारी अपनी स्वदेशी शिक्षा इस देश में चलती थी तो उस छात्र में और इस छात्र में बहुत अंतर होता है जानते हो ना अच्छा ये बताओ आजकल तुम लोग जो बच्चे हो कोट पहनते हो ना कोट अच्छा मैं तुमसे कह रहा हूं मैं प्रधानाचार्य रहा हूं और मेरे यहां भी बच्चे कोट पहनते थे पर अपनी कभी कोट पहनने की आदत नहीं रही है तो कोट कभी पहना नहीं है अच्छा कई बार लोग मुझे कहते हैं आज भी सुबह जब मैं चला तो मेरा एक छात्र मुझसे बोला कि आचार्य जी मेरे पास एक अच्छी सी चादर है आप वो ले जाओ वो बड़ी सुंदर लगेगी आप जो ये ओढ़ रहे हो ना ये अच्छी नहीं है मैंने कहा बेटा ये मेरी असलियत है ये मेरी औकात है और आदमी को अपनी औकात में रहना चाहिए उसे बाहर कूदने लगेगा तो आनंद नहीं रहता है अपनी औकात में रहे तो अच्छा रहता है हमारे यहाँ जब छात्र का स्वदेशी शिक्षण माध्यम होता था तो उसमें छात्र को एक बात पढ़ाई जाती थी बालको तुम ध्यान से सुनना ये बड़े काम आएगी ये बड़े काम आएगी और आज मैं बेटियों के विद्यालय में हूं सौभाग्य से मैं भी बेटी का पिता हूं मतलब मेरी बेटियां ही हैं बेटा है ही नहीं बेटियां ही हैं तो भाई और अच्छा लग रहा है मुझे तुम्हारे साथ संवाद करते हुए उस स्वदेशी शिक्षण में बालकों को यह पढ़ाया जाता था कि अपने आचार्य से कभी उच्चासन पे नहीं बैठते यानी जो टीचर है शिक्षक है वो जितनी ऊंचाई पर बैठे हैं हमें उनके सामने उतनी ऊंचाई पर कभी भी उससे ऊपर के नीचे नीचे बैठना है अब नीचे बैठने का मतलब बहुत कुछ है वो तुम समझते नहीं हो नीचे बैठने का मतलब है आचार्य से कहां रहना है नीचे। मतलब कपड़े नीचे कपड़े नीचे, नीचे। रहन सहन खान पान नीचे।, नीचे सब नीचे रहना मतलब मैं इतना महंगा कपड़ा नहीं पहन सकता जितना मेरा आचार्य पहनता है यदि मेरे कपड़े की कीमत मेरे आचार्य के कपड़े से ज्यादा हो गई तो मैं छात्र नहीं हूं छात्र की ये सूरत होती थी कंडीशन होती थी उसकी यह दशा होती थी कि उसे छात्र होने के लिए जरूरी है कि वो अपने आचार्य के साथ ऐसा ऐसा आचरण करे कभी उच्चासन पर नहीं बैठना आचार्य के भोजन किए बिना स्वयं भोजन नहीं करना पहले तो क्या होता था ये नहीं होते थे घर से जाने आने वाला स्कूल नहीं होता था चार घंटे का स्कूल नहीं होता था वहीं जाके रहते थे बोर्डिंग स्कूलिंग था उस समय है ना और बोर्डिंग स्कूलिंग को उस समय क्या बोलते थे बोलो अरे तो बिल्कुल अभी नाटक देख के समझ गए तो वहीं रहते थे और छात्र बाहर जाता था सुबह थोड़ी देर के लिए और भिक्षा मांग के लाता था और भिक्षा ला के आचार्य को देता था कि आज आठ रोटी मिली है इससे ज्यादा मिली नहीं है सारे छात्र लेके आते और आचार्य को दे देते आचार्य इसका वितरण बच्चों में करता लेकिन वो खाना तब शुरू करते प्रतीक्षा करते कि आचार्य ने शुरू कर दिया क्या खाना आचार्य ने शुरू कर दिया अब सबने खा लिया अब देखो सबने खा लिया है लेकिन पंक्तियां बैठी हुई उठेगा कोई भी नहीं क्यों नहीं उठेगा तब तक नहीं उठेंगे जब तक आचार्य जी न उठ जाए उन्हें अकेले छोड़ के नहीं उठ सकते हैं वो उठेंगे तब मैं उठूंगा ये शिष्टाचार था एक सदाचार था जो गुरुकुलों में फॉलो किया जाता था लेकिन ये बताओ आजकल तो माँ बाप के साथ भी ये बर्ताव नहीं होता है बोलो होता है हा ना तो बोल दो नहीं होता है ना गड़बड़ इन्हीं से पूछ रहा हूँ यही बताएंगे है ना नहीं होता है। अपने आचार्य के या गुरुजन के गुरु कहते हैं बड़ा गुरु मतलब माता भी गुरु है पिता भी गुरु है बड़ा भाई बड़ी बहन ये सब गुरु हैं गुरु मतलब बड़ा जो बड़ा आचार्य भी बड़े हैं उनके कभी दाई और नहीं चलते क्या तुम चलते हुए सोचते हो कि मुझे दाई और चलना है कि बाई और चलना है अच्छा इसके पीछे इस अनुशासन के पीछे एक विज्ञान होता है फिर कभी समय मिलेगा तो जरूर बताऊंगा लेकिन अपने आचार्य के हमेशा बाएं हाथ बाएं हाथ हाथ की की ओर ओर रहते हैं हैं और चलते हैं। कभी सिराहने नहीं बैठते चारपाई पर बैठते हैं तो कभी सिराहने नहीं बैठते यह स्वदेशी शिक्षण व्यवस्था थी और इस स्वदेशी शिक्षण व्यवस्था में जो पढ़ाई लिखाई थी उसका स्तर क्या था वो आपको बताता हूं उसका स्तर यह था कि दस साल का बालक जब गुरुकुल में जाता था तो दस साल के बालक को जब वहां पहुंचता तो उस समय तक माँ कई भाषाओं की वर्णोच्चारण शिक्षा दे देती थी एक आदि नहीं एक आद की नहीं भाई तुम तो केवल हिंदी सीख के आते हो यह थोड़ा बहुत ए फोर एप्पल बी फोर बोल और डी फोर डंकी अच्छा कुछ डॉग बता रहे हैं पर यही हालत है या तो डंकी है या डॉग है हालत यही है यही सीख कर तुम लोग विद्यालय में आते हो और फिर विद्यालय से आगे जो जो भी पढ़ाई होती है वहां शुरू होती है पहले मां पढ़ाती थी आजकल स्कूल ही पढ़ाता है ढाई साल का बच्चा प्री प्राइमरी एजुकेशन में स्कूल में आ जाता है और यहां टीचर उसे बताती है कैसे खाना है कैसे पीना है कैसे रहना है कैसे नहीं रहना है देखो और वहां अनुशासन से नहीं सिखाया जाता डर से सिखाया जाता है बच्चा जब घर जाता है कोई काम ना करे तो माता पिता क्या कहते हैं या तो कर ले नहीं तो किसे बुला दूंगी तेरी टीचर को बुला दूंगी और बालक खट से कर लेता है क्योंकि वो डंडी से डरता है भाई वो थप्पड़ से डरता है और जैसे जैसे बालक बड़ा होता है वैसे तो इसका डर भी जवान हो जाता है और ये उस जवान डर से भी डरता है इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं वो हमारे महाशय जी वो सुनाया करते हैं कहते हैं वो एक पति था और अपनी पत्नी से रोज कहा करता रे मैं मर दू तू क्या कर रही मैं मर दू तू क्या कर रही मैं मर दू मैं ये कर दूंगा मैं मैं वो कर दूंगा मर पत्नी एक बड़ी फ्रस्ट्रेट हो गई भाई ये मर्द है एक दिन ऐसा हुआ घर में चोर आ गए चोर आ गए उसने अपने पति को उठाया बोले उठ बाहर चोर है तू उठ अब वो उठे नहीं और रजाई में घुस गया चारपाई के नीचे घुस गया जब चोर चले गए उसने कहा तू बड़ी घोषणा करता था कि तू मर्द है तू मर्द है तू मर्द है आज चोर आए तो तू उठा ही नहीं तो उसने कहा कि मैं तेरा ही तो मर्द हूं, चोरों का थोड़े मर मैं चोरों का चोरों का मर्द नहीं हूं भाई बात यह है बेटा उससे पूछा कि आखिर ऐसा क्यों तो क्या है कि कुछ माए अपने बच्चों को शिक्षा देती थी और आजकल देती हैं तो बाहर बच्चों को डराती हैं कि बेटा बाहर मत जाना बाहर भूत है डराती है कि नहीं डराती हाउ है हाउ ऐसे कई तरह के नाम तुम्हारे स्थानीय होंगे बाहर हाउ रहता है भूत रहता है बाहर मत निकलना तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि मेरी मां ने मुझे बताया था बाहर हाउ है इसलिए मैं बाहर नहीं जाता उसने कहा लेकिन अब तो तुम जवान हो गए हो अब तो हाउ से मत डरो तब तो तुम बच्चे थे इसलिए डर जाते थे अब तुम जवान हो गए हो तो पति पत्नी से बोला मुझे बहका मत क्या मैं इतना भी नहीं समझता कि हाउ भी जवान हो गया है अगर मैं बाहर जाऊंगा तो वो जवान हाउ मुझे खा जाएगा ये डर उस बालक के मन में रख दिया जाता है और ये शिक्षा या शिक्षण व्यवस्था बालकों की चलती है ध्यान से समझना इस बात को मैं समझाऊंगा बसंत पंचमी अभी तो प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा हूं समझाना मुझे बसंत पंचमी है तो ये बालक जो है जैसा पढ़ाया जाता है वैसा ही ये बनकर तैयार हो जाता है बात समझ में आ रही है ना इतनी समझ में आ रही है ग्यारह साल के एक बच्चे को खेल कर आया खेल कर आए और खेल कर आकर मां से कहा मा रोटी दे मां ने कहा भैया बहुत दिन हो गए खेलते खेलते अब रोटी यूं नहीं मिलेगी कुछ करके मिलेगी उसने कहा बता क्या करूं सोचा दो बाल्टी पानी भरने के लिए कहेगी या कुछ सामान लाने के लिए कहेगी बता क्या करना है बोले सामने किला देखता है उसने कहा देखता हूं बोला ये जमीन हमारी है मिट्टी हमारी है देश हमारा है लेकिन एक किला मुसलमानों के कब्जे में है ये किला मुसलमानों के कब्जे में अब रोटी तब दूंगी जब वो किला जीत कर आएगा बच्चा बाहर गया और अपने छोटे छोटे मित्रों से बोला दस दस साल के बच्चों से बोला कि भैया रोटी नहीं मिली घर में और मां ने कहा किला जीतना है चलो किला जीतते हैं बालकों ने कहा तू पागल है अरे हम छोटे छोटे बच्चे हैं बोला हम किला जीत सकते हैं शिवाजी ने कहा लेकिन मुझे तो रोटी नहीं मिलेगी तो उन्होंने उसकी खिल्ली उड़ाई बच्चे चले गए बालक मां का अज्जिया पक्का था एक सिप सलार के पास गया उससे जाकर कहा उसने भी मजाक ली दूसरे के पास गया तीसरे के पास गया आखिर में उसने एक आदमी को तैयार कर लिया कि किला जीतेंगे और उस आदमी की बात समझ में आई तो दोनों ने मिलकर प्रयास किया तो लगभग सत्तर लोग इकट्ठे हो गए रात में हमला किया किले पर और सुबह तीन बजे तक किला जीत दिया और घर आकर मां के पैर छूकर बोला किला जीता हूं भोजन दे रोटी खाया हूं एक शिक्षा शिक्षा का एक ढंग का सबक व्यक्ति को छत्रपति शिवाजी महाराज के रूप में डेवलप कर देता है और शिक्षा का एक गलत सबक व्यक्ति को उस मर्द के रूप में डेवलप कर लेता है जो केवल पत्नी पर अत्याचार करना जानता है और इसके सिवाय वो कुछ भी नहीं जानता बात समझ रहे हो एक छोटा बच्चा गुरुकुल में पढ़ रहा है वो अपने आचार्य से पूछता है कि आचार्य दुनिया कैसे चलती है तो उसने कहा बेटा प्रकृति है प्रकृति के नियम होते हैं उन नियमों से दुनिया चलती है तो कहा ये धरती कैसे टिकी है तो कहा ये धरती गुरुत्वाकर्षण पर टिकी है तो कहा आचार्य गुरुत्वाकर्षण कैसे पैदा होता है कहा बेटा गुरुत्वाकर्षण पैदा होता है कि जो बड़ा पिंड होता है जो छोटे पिंड होते हैं वो बड़े पिंड के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसके साथ साथ वो अपनी धुरी पर भी चक्कर लगाते हैं धरती भी एक छोटा पिंड है सूरज के मुकाबले में तो वो सूरज के गुरुत्वाकर्षण में बंधा हुआ उसके चारों ओर चक्कर लगाता है और ऐसे धरती अपनी धुरी पर भी घूमती है और घूमने से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनता है पढ़िए धारा कि नहीं पढ़ी अभी नहीं पढ़िए पढ़ी इलेक्ट्रिसिटी पढ़ोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि चुंबक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कैसे बनते हैं कैसे डेवलप होते हैं कैसे कॉयल बनाई जाती है और कॉयल से कैसे वहां चुंबकत्व पैदा किया जाता है

और बालक गुरुकुल में गया है अभी वो क्वांटम फिजिक्स पढ़ रहा है लेकिन स्कूल में जो बालक गया है बालक स्कूल में गया है आज के स्कूल में इस आधुनिक शिक्षा में इस पाश्चात्य शिक्षा में उसे क्या बताते ट्विंकल ट्विंकल yes, लिटिल स्टार अच्छा बताओ स्टार लिटिल है कि ह्यूज है yes, बोला yes, और हमें क्या पढ़ाया गया yes, ट्विंकल ट्विंकल yes, और आप मना नहीं कर सकते क्योंकि आपको दूसरी बात बता दी जाती है जॉनी जॉनी यस बोलो बेटा। तुम ना नहीं कह सकते हो तुम्हें गलत पढ़ाएं, सही पढ़ाएं, कुछ भी पढ़ाएं। लेकिन तुम्हें हाँ करनी पड़ेगी मैं जब छोटा था मेरे अच्छी तरह याद है शायद आप में से भी कुछ बड़ों के याद आ जाए तो एक किताब में कविता होती थी जिसने सूरज चांद बनाया जिसने तारों को चमकाया जिसने फूलों को महकाया पढ़ाते थे कि नहीं पढ़ा आज है कहीं आज है कहीं ऐसे आस्तिकता को योजनाबद्ध तरीके से नष्ट किया गया शिक्षण व्यवस्था को नष्ट किया गया और जब शिक्षण व्यवस्था नष्ट हो गई तब हम बसंत पंचमी कैसे समझेंगे बसंत पंचमी समझ में तब आएगा जब आप जानोगे कि स्पेस साइंस क्या है आप जानते ही नहीं हो एक बालक बारहवीं कक्षा में छोड़ो बीएससी और एमएससी में केमिस्ट्री पढ़ता है लेकिन उस विचारे को बस रट रखा है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है क्लॉकवाइज घूमता है एंटी क्लॉकवाइज घूमता है ऑर्बिटल में घूम रहे एक ही ऑर्बिटल में तो अच्छा मैंने पूछा ऑर्बिटल क्या होता है पता नहीं जी शायद कोई जगह होगी जिसमें घूमते होंगे अच्छा पूरा हाइपोथेटिकल मसला है जो कुछ पढ़ाया जाता है सब कुछ परिकल्पना है सोची समझी बात है इसमें कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं है तुम्हें जो रदरफोर्ड का प्रयोग दिखाया जाता है कि अल्फा कणों की बमबारी की गई अल्फा कण डाले गए कुछ सीधे निकल गए कुछ मुड़ गए कुछ डाइवर्ट हो गए वो सारा का सारा हाइपोथिस है भाई अंदाजा लगाया गया ऐसा हो रहा होगा ऐसा हो रहा होगा शायद इस कमरे के बाहर कुछ फूल होंगे मुझे नहीं पता है कि अनुमान कर रहा हूं शायद लोन सा दिख रहा है पेड़ दिख रहे हैं शायद कुछ फूल होंगे ऐसी ही परिकल्पना के रूप में तुम्हें विज्ञान पढ़ाया जाता है तुम्हें यथार्थ विज्ञान नहीं पढ़ाया जाता सुनो बसंत पंचमी क्या है बसंत पंचमी सुनो अच्छा बताओ धरती किसके चारों ओर घूमती है इतना तो बोलो देखो भाई उधर उस वाले मोहल्ले में ट्रांसफार्मर की लाइट गई हुई है कोई जवाब उधर से नहीं आता है उस कोने से सूरज धरती किसके चारों ओर घूमती है बोलो और कैसे घूमती है गोल नहीं घूमती गोल नहीं घूमती है इसका जो पथ होता है वो कैसा पथ होता है पैराबोलिक कैसा है ऐसा है है ये भी बदलता रहता है यूं यू, यू बदलता रहता यू है यूं बदलता रहता है सारा बदलता रहता है समझ में आया आप जो ज्योतिषविद हैं जो साइंटिस्ट हैं उन साइंटिस्टों ने कल्पना की धरती के इस पूरे गमन को समझने के लिए के उन्होंने सूरज के चारों तरफ के हिस्से को बारह जगहों में बांट दिया किसमें बांट दिया बारह और इन जगहों के नाम रखे और उन नामों को उन्होंने राशि कहा क्या कहा उन्हें धनु मीन कर्क मकर वृश्चिक है कि नहीं है देखो और कुछ जानते हैं कि नहीं जानते लेकिन राशि सुबह अखबार में पढ़ के चलते हैं आज मेरा दिन अच्छा है क्या गणित का काम नहीं किया पिटाई तो होगी लेकिन राशि में देख लेता पिटाई कितनी होगी क्योंकि अखबार में लिखा हुआ आज तेरा दिन बहुत अच्छा है वो बात अलग है कि विद्यालय में आके खाल उतर गई विद्यालय में आके बात बदल गई अच्छा यहाँ तो यहाँ के अध्यापिकाएं जादू नहीं जानती हैं लेकिन जो बालकों के विद्यालय होते हैं वहां के अध्यापक जादू भी जानते हैं वो मनुष्य को मुर्गा बना सकते हैं लेकिन क्योंकि बालिकाओं के विद्यालय में प्रथा शायद नहीं है और लुप्त हो गई है इसलिए जादू यहां नहीं होता होगा पर वो राशि में बताया नहीं जाता फिर भी हो जाता है ये वो वाली राशि नहीं है समझ लेना जो राशि राशि वो सूर्य के चारों ओर के बारह हिस्से हैं समझ में आई बात अच्छा ये बताओ इन राशियों में धरती घूमेगी कि सूरज सूरज तो बीच में है कौन घूमेगी लेकिन ये बताओ जब तुम बस में बैठकर चलते हो तो तुम्हें खुद का चलना महसूस होता है या पेड़ पीछे को भागते हुए महसूस होते हैं बस तो हम जब इसमें चलते धरती पर बैठे हुए हैं तो हमें सूरज चलता हुआ प्रतीत होता है खुद चलते हुए हम प्रतीत नहीं, नहीं होते इसीलिए हम कहते हैं सूरज आज मकर राशि में है वृश्चिक में है धनु में है मेष में है बात समझ में आ रही है है ना और जब वो एक राशि से दूसरी राशि में जाता है तो उसे कहते हैं संक्रमण काल संक्रांति क्या कहते हैं अभी पिछले दिनों संक्रांति गया कौन सी तारीख में मनाया गया एक महीना पहले मना लेते हैं क्योंकि अंग्रेजी महीने के हिसाब से मनाते हैं तब मकर संक्रांति थी नहीं पता नहीं कब मना लेते हैं मकर संक्रांति जब सूर्य उत्तरायण आता है तब मकर संक्रांति मनती है तो ये जो बसंत पंचमी हम मना रहे हैं ये एक ऋतु है हमारे यहां छह ऋतुओं में से बसंत ऋतु कौन सी ऋतु है बसंत ऋतु से तीस चालीस दिन पहले हम बसंत पंचमी को मनाते हैं क्योंकि यह बसंत के आगमन की सूचना है सूर्य आ गया है उत्तरायण में किसमें आ गया सूर्य उत्तरायण में कि दक्षिणायण में किसमें आ गया उत्तरायण को अच्छा माना जाता है क्यों माना जाता है क्योंकि इन दिनों सूरज ज्यादा समय तक अपनी ऊर्जा देगा और धरती को ऊर्जा कहां से मिलती है सूरज से जितनी देर सूरज अच्छा ये बताओ आगे आगे दिन बड़े होंगे कि रात बड़ी होंगी पीछे पीछे क्या बड़े थे रात बड़ी थी रात में ऊर्जा रहती है कि नहीं रात में तुम दंगा कर पाते हो कि नहीं शरारत कर पाते हो कि नहीं रात में क्या होता है लोग क्या होते हैं बाजार में निकलो तो सब सोए हुए हैं चारों ओर कोई ऊर्जा का चिन्ह नहीं होता सुबह ही जैसे होती है तो भारत निकल जाते हैं कुछ लोग हैं कुछ कहते हैं नाराय तदबीर अल्लाह अकबर कुछ कहते हैं भारत माता की जय हो लेकिन उनकी ऊर्जा सुबह सुबह निकलती है रात में ऊर्जा नहीं होती तो दिन लंबे होने लगेंगे अब ऊर्जा का समय बढ़ने लगेगा इसलिए उत्तरायण को अच्छा मानते हैं कहा जाता है पिताम भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था और उन्होंने यह कहा था कि जब तक उत्तरायण नहीं आ जाता तब तक देह नहीं त्यागूंगा और त्यागी नहीं थी ऐसा कहते हैं इतिहास में तो ये बसंत ऋतु के आगमन की सूचना है और बसंत को छो ऋतुओं में ऋतुराज माना जाता है क्या माना जाता है अच्छा अब देखो अब तक क्या था पूरी प्रकृति छिछुरी हुई थी सारी रात अंधेरा अरे दिन में भी अंधेरा रहता था धुंधी धुंध रहती थी दिन निकलता था मानो दस बजे और छिप जाता था मानो चार बजे पूरे दिन कुछ नहीं दिखता था कोई फूल था कहीं किसी किसी पेड़ पर आपको नए पत्ते दिखाई देते थे सब सूखी चिठुरी हुई धरती दिखाई देती थी लेकिन अब बसंत आ गया है चारों ओर जाओ तो तुम्हें खेतों में सरसों के फूल खिले हुए दिखाई देंगे अब एक नया फूल आएगा सूरजमुखी का फूल सूरजमुखी का फूल सूरज की ओर मुख करके खिलता है तालाबों में कमल आ जाएंगे पेड़ों पर नए पत्ते आ जाएंगे पूरी प्रकृति मानो दुल्हन की तरह सज जाएगी इसीलिए इस ऋतु को सारी ऋतुओं का सरताज कहा जाता है बसंत को ऋतुराज कहते हैं और बसंत पंचमी इसी ऋतु के आगमन की ऋतु से पहले ही सूचना है क्योंकि असल में बसंत तो दो महीनों का होता है चैत्र और बैशाख का और अभी क्या चल रहा है माग। क्या चल रहा है तुम्हारी तो जनवरी चल रही है हैं तुम तो भूल गए भैया चैत्र बैशाख क्या होते हैं अपना भूल गए और दूसरे का याद रहा लेकिन याद रहे ना जो कभी कभी दूसरे के कपड़े पहन के कहीं जाता है उसकी बेचती कहीं ना कहीं हो ही जाती है कौआ चला बोलो बोलो और अपनी भी और तुम्हारी स्थिति यही है तुम अंग्रेजी नहीं जानते हो और हिंदी तुम भूल गए हो हिंदी तुम्हें याद नहीं रही दूसरे की संस्कृति सीख नहीं पाए और अपनी संस्कृति दूसरे की सीख ली तुमने अगर अंग्रेजों के यहां जाओगे तो तुम्हें क्या कायदे कानून मिलेंगे सफाई उनका टॉयलेट इतना साफ होता है भैया भोजन कर लो वहां बैठ के और तुम्हारे टॉयलेट की क्या स्थिति होती है उनसे सीखा कुछ रसोई कैसी होती है उनसे सीखा कुछ उनके यहां सड़कों पर कानून कैसे पालते हैं कुछ सीखा उनसे हमारे यहां चले जाओ तो वो अपनी मर्जी से लाइट की प्रतीक्षा नहीं करते पांच सेकंड रह गई है तभी वो रेड लाइट क्रॉस कर जाएगा कोई नियम का जो उनका सीखने का था वो भी नहीं सीखा और अपना भूल गए हैं? बारह महीने होते हैं कौन कौन से बोलो ये कौन से बताया इन्होंने <laughs> वो सम्मिलित स्वर में यही पता नहीं चला कि क्या बताया देखो बेटा एक चीज बताता हूं तुम्हें महीने सीखो अपने याद करो कि चैत्र वैशाख आदि होते ये जरूर सीखना चाहिए कि हमारे महीने क्या यहीं से बैठे दो हजार साल बाद एक महीने के कौन से पक्ष की कौन सी तिथि में दिन कितने घड़ी का होगा रात कितने घड़ी की यहीं बैठे बता सकता हूं यह गणित है ये कौन सा गणित है जिसमें हर चौथे साल आपको एक दिन घटाना बढ़ाना पड़ता है यह कौन सा गणित है हैं तुम्हारे यहां अब एक एक चीज देखो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त महीने खत्म अगस्त पे जाके अंग्रेजों के महीने खत्म हो जाते हैं उसके बाद तो महीनों के नाम ही नहीं है क्योंकि ये ग्रीस के देवताओं के नाम है जो यूनान था यूनान के देवताओं के नाम पर उन्होंने अपने महीनों के नाम रखे पर देवता ही आठ थे देवता ही कितने थे आठ तो नौवा महीना कहां से लाए तो उन्होंने कहा देखो इस समय भारत में कौन सा महीना चल रहा है तो भारत में उस समय चल रहा था सातवां महीना कौन सा महीना चल रहा था और सात को संस्कृत में कहते हैं सप्त क्या कहते हैं बेटा उन्होंने इसकी अंग्रेजी बनाई सेप्ट और बना सेप्टेंबर क्या बना और अगला महीना भारत में चल रहा था आठवां आठ को संस्कृत में कहते हैं अष्ट क्या कहते हैं ओसीटी क्या बनेगा अच्छा एक आदमी विद्यालय में गया और उसने जाकर कहा चोपड़ा साहब ये चेमिस्ट्री डिपार्टमेंट किधर है चे -चे तो उन्होंने कहा भाई साहब उधर चले जाओ वो वाला डिपार्टमेंट है लेकिन सुनो चेमिस्ट्री नहीं केमिस्ट्री है उसने कहा थैंक यू कोपड़ा साहब अरे भाई ये बताओ जब वो केमिस्ट्री है तभी तो तुम चोपड़ा हो वो केमिस्ट्री हो जाएगा तो तुम ओ सिटी अष्ट होता है बेटा, लेकिन उनके यहां हो गया और अक्टूबर बन गया अच्छा नो को अंग्रेजी में क्या कहते हैं नवम क्या कहते हैं ओ माफ करना। संस्कृत में क्या कहते हैं नवम अब नवम को वो अंग्रेजी में ले गए और क्या बन गया बस बर जोड़ दिया नवंबर बन गया और दस को संस्कृत में कहते हैं दशम दशम से क्या बन गया उन्होंने तुम्हारी नकल की और तुम उनकी नकल करने लगे बात समझ में आई यह तो बसंत पंचमी है बसंत पंचमी का एक रंग होता है कौन सा रंग यह देखो लाल और पीला मिला के जो बनता है ना इस रंग को कहते हैं बासंती रंग कौन सा रंग है और बासंती रंग दो रंगों के दो चीजों की सूचना देता है एक ब्रह्म की एक क्षत्र की ब्रह्म कहते हैं विद्या ब्रह्म किसे कहते हैं अच्छा बताओ विद्या किसे कहते हैं पढ़ते हो तुम अच्छा मुझे बताओ एजुकेशन मतलब बोलो और विस्डम मतलब बाप रे बाप। रे अच्छा सोचो शिक्षा और विद्या दोनों एक हैं कि अलग अलग लेकिन हम पढ़ते नहीं है ऐसा नहीं कि आचार्य नहीं पढ़ाते होंगे पढ़ाते होंगे लेकिन हम कितना पढ़ते हैं यह खुद को सोचने की जरूरत है एजुकेशन और विजडम में अंतर होता है बेटा मैं आजकल एजुकेशन पर ही काम कर रहा हूं काम कर रहा हूं कि इस पूरे देश की एजुकेशन को चुनौती दे पाऊं वैसे देखने से ऐसा लगता है कोई कोई मुझे कह भी देता है अरे भाई साहब आपका रोटी का इंतजाम हो गया देश की एजुकेशन बदलोगे मैंने कहा भैया ऐसे ही लोग बदलते हैं इस देश में एक बार एक आदमी के पाओं में कांटा चुभ गया था जिसके पाओं में कांटा चुभा उसके शरीर पर एक लंगोटी थी ऊपर तो उत्तर भी नहीं था मेरे पास तो उत्तर यह है और उसने इस दुनिया का साम्राज्य बदल कर रख दिया था दुनिया उसे चाणक्य के, के नाम से जानती है मेरे पास तो आज उत्तर उत्तरी है मैं तो कपड़े पहनकर घूमता हूं मैं क्यों नहीं बदल सकता जरूर इस देश की एजुकेशन को बदला जा सकता है अच्छा ये बताओ तुम्हें नहीं लगता कि स्वदेशी एजुकेशन होनी चाहिए हा ना बोलो यार बोलो ना होनी चाहिए कि नहीं दे, अच्छा एक बात बताओ अंग्रेज जब यहां आता है खिलाड़ियों को देखो वो खेलने आते हैं तो मुंह पर कुछ सफेद सफेद लगा रहता है क्यों लगाते हैं क्योंकि यह उनके लिए स्वदेशी वातावरण नहीं है उनकी त्वचा फट जाएगी व्यक्ति अपनी स्वदेशीता के प्रति अनुकूल होता है आप गुजरात की गाय को लाकर यहां रखो तो वह यहां दूध नहीं देती है साहिवाल को लेकर गुजरात और महाराष्ट्र में रखो तो वो वहां दूध नहीं देती तो विदेशी संस्कृति तुम्हारे घर में तुम्हें दूध कैसे दे सकती है आपको यहां दूध लेना है तो यहां की गाय को आपको पल्लवी तौर पोषित करना पड़ेगा आपको स्वदेशी शिक्षा को पैदा करना पड़ेगा स्वदेशी शिक्षा पैदा होगी तो जानोगे ब्रह्म किसे कहते हैं क्षत्र किसे कहते हैं बंधुओं क्षत्र का मतलब है क्षात्र धर्म क्षत्रियत्व अब ये मुझे बताने की जरूरत नहीं रहेगी यह हकीकत राय कौन था इतना सुंदर बालकों ने वो अच्छा सा नाटिका प्रस्तुत की कितनी सुंदर नाटिका थी वैसे उसमें सारे मुसलमान नकली थे एक तो जो बाद में जो सबसे बड़ा आया था उनमें काले कपड़ों वाला वो तो मुझे लग रहा था कि डॉक्टर है उस सिर्फ उसकी टोपी डॉक्टर जैसी लग रही थी अपने वालों को जबरदस्ती मुसलमान बनाए तो भी नहीं बन रहा है उनमें एक ही चीज असली थी वो हकीकत राय <laughs> बाकी सब मुझे नकली लग रहे थे लेकिन बढ़िया उन्होंने खेला तुम्हारे सामने आ गया कि हकीकत राय के पिता का नाम क्या था भागमल आया कि नहीं आया क्या नाम था माँ का नाम था गौरा माँ का नाम क्या था गौरा। बच्चे को उन्होंने कहा उनके कुछ डिटीज को गाली दे दी तो बच्चे ने कहा कि भैया यही बात अगर मैं तेरी फातिमा बीबी के लिए कहूं तो तुझे कैसा लगेगा तो वो जो फातिमा फातिमा कौन थी मोहम्मद की बेटी उसका नाम फातिमा था तो उसने कहा यही अगर मैं तुम्हारी फातिमा बीबी को कहूं तो तुम्हें कैसा लगेगा अब उस काल की बात सोचो इसी काल में यह घटना घटी अभी टीवी पर एक डिबेट हुई और टीवी पर एक मुल्ला ने एक लड़की को उसके देवी देवताओं के बारे में अपशब्द कहे लड़की का नाम था नुपुर शर्मा नाम सुना नुपुर शर्मा ने यह कहा कि जैसा तुमने मेरे देवी देवताओं के बारे में कहा है अगर ऐसा ही मैं मोहम्मद के लिए कहूं तो तुम्हें कैसा लगेगा और इस बात पर पूरे देश को जला दिया गया सर्तन से जुदा तन सर से जुदा के नारे लगे सत्तावन देशों ने दुनिया के उस लड़की का विरोध किया लड़की छत्राणी थी सिंघणी थी आखिर तक डरी नहीं मैं तो धन्यवाद करता हूं कि यह संस्कृति आज भी ऐसी कन्याओं को जन्म देती है मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि कन्याओं के बीच में हूं जहां नुपुर शर्मा जैसी कन्याएं जन्मी है जिन्होंने ऐसे मस्तक ऊंचा करके वहीं मुंह तोड़ जवाब दिया और आज तक आज तक उस लड़की ने एक बार भी ये नहीं कहा कि मैं इस बात से हटने को तैयार हूं उसकी पार्टी ने कहा उसके संगठन ने कहा उसने कहा ठीक है तुम्हारे लिए कह देती हूं लेकिन मैं अपनी बात पर अड़ी हूं मैं आज भी चर्चा करने के लिए तैयार हूं ये जो भाव है इसी भाव का नाम छात्र धर्म है अब सोचो उस काल में जब शासन भी मुसलमानों का था एक चौदह साल का बच्चा दुनिया की सबसे ताकतवर हुकूमत के सामने भिड़ गया मां ने कहा बाप ने कहा बेटा मुसलमान बन जा बोला ये बता दो बस मुसलमान बनने के बाद मरूंगा नहीं क्या उन्होंने कहा मरेगा तो पर अभी नहीं मरेगा बोले जब मरना ही है तो अपने धर्म में मरूंगा अपनी संस्कृति में मरूंगा अपने मूल्यों अपने सिद्धांतों के साथ मरूंगा यह बासंती रंग इस भाव का प्रतीक है यह बासंती रंग इस भाव का प्रेरणा आपको देता है कि आपके भीतर अपने धर्म अपनी संस्कृति अपने देश के प्रति ये जुनून होना चाहिए जमीन में गाड़ दिया गया बच्चे को आधा ऊपर पत्थर मारे गए और जब लड़का क्षत विक्षत हो गया पूरे शरीर से खून बह रहा था तो जल्लाद ने आकर तलवार के वार से उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया लेकिन वो सर जमीन पर नहीं गिरा वो पार्थिव सिर शर, तो जमीन पर जरूर गिरा लेकिन वो सिर ऊंचा सूर्य के समान मस्तक सा उठ गया जिसे आज दुनिया हकीकत राय के नाम से जानती है आज भी धर्म की रोशनी हमें उसके नाम से मिलती है आज के ही दिन पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी का कत्ल किया था उसी के घर में अंधे अंधे पृथ्वीराज चौहान ने उसी के घर में मोहम्मद गोरी का कत्ल किया था उसकी हत्या की थी उसके घर में वहीं रहते हुए अंधे होकर इसे कहते हैं धर्म और यह भाव देता है यह बासंती रंग और बसंत उत्सव जो है इसकी सूचना देता है इसलिए बालकों बालिकाओं एक चीज आपसे कहना चाहता हूं एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि इस बसंत पंचमी के पर्व से एक भाव अपने मन में जरूर पैदा करो भाव पैदा करो ये देश किसका बोलो भाई किसका है बोलो पीछे तक बोलो हमारे में दम नहीं है मुझे लग रहा है तुम असदुद्दीन ओवैसी से डरे हुए हो बोलो देश किसका अच्छा हमारे में किसे किसे शामिल कर रहे हो यहूदियों को ईसाइयों को मुसलमानों को किसे शामिल कर रहे हो अच्छा घर में जो मां है उसे क्या कहते हो हमारी के मेरी क्या कहते हो बस जब तुम हमारा कहते हो तो जिम्मेदारी से भाग जाते हो इसलिए आज से कहना शुरू करो कि ये देश किसका है इसका नहीं, तो 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 ती। तो तो ती। इसका नहीं पता मुझे इसका है कि नहीं है उसका नहीं पता मुझे तो ती। 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 उसका है कि नहीं है पर मेरा है और इस राष्ट्र की रक्षा की जिम्मेदारी किसकी है संस्कृति मेरी है तो संस्कृति की रक्षा की जिम्मेदारी धर्म मेरा है तो धर्म की रक्षा की जिम्मेदारी मेरी है और इस ममत्व के साथ इस अपने के साथ जब इसके साथ जियोगे तो अकेले हकीकत राय की तरह भी भिड़ जाओगे अकेला आदमी भी एक गीत आता है हमारे यहाँ आर्यदल में खूब गाया जाता है कहते हैं यह मत कहो कि जग में कर सकता क्या अकेला लाखों में वार करता एक सूरमा अकेला अगर अकेला भी हो अरे मनुबाई लक्ष्मी बाई लड़की ही तो थी 19 साल की लड़की ने अच्छा यहां कितने हाथ खड़े करके बताना मुझे कितने बच्चे हैं जो सत्रह साल के हैं यहां हाथ खड़े करके बताओ जिनकी आयु सत्रह साल होगी अच्छा शायद मैंने ज्यादा बोल दिया जिनकी हुई है वो हाथ इसलिए नहीं उठा रहे कि मेरी उम्र बड़ी हुई पता चल जाएगी लड़कियों में समस्या होती है अच्छा पंद्रह साल के कितने हैं बहुत सारे साठ परसेंट के आसपास पंद्रह साल के हाथ नीचे करो लक्ष्मी बाई की उम्र थी उन्नीस साल कितने साल उन्नीस हाँ। साल की युद्ध में कूद पड़ी थी लेकिन मैं आपको बताऊं साढ़े सत्रह साल की रानी लक्ष्मीबाई ने घोषणा कर दी थी कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी तुमसे कितनी बड़ी थी ढाई साल अगर तुम्हें यह कह दें कि तुम्हारे घर पे कोई कब्जा करने आ रहा है तो हाउ डराएगा तुम्हें डर जाओगे लेकिन लक्ष्मीबाई नहीं डरी तो बंधुओं माताओं प्रयास करो बहनों प्रयास करो बेटियों प्रयास करो कि तुम अपने भीतर इस छात्र धर्म को पैदा कर सको इस ब्रह्मत्व को पैदा कर सको ताकि तुम इस राष्ट्र की रक्षा के लिए उद्यत हो सको यही बसंत पंचमी पर्व को मनाने का उद्देश्य हो सकता है और इसी से बसंत पंचमी पर्व की सार्थकता भी है केवल गीत गाना पूजा पाठ करना अच्छे मीठे व्यंजन बनाना मेरा समय ऊपर हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा ना हो गया है अच्छा अच्छा जब समय हो जाए तो मुझे बता देना क्योंकि जब आदमी का समय आ जाए तो उसे बता देना चाहिए तेरा समय आ गया है गंगा जल कोई लेके आ जाए इस समय पे तो मैं आपसे कहना यह चाहता हूं कि अपने भीतर इस छात्र धर्म इस ब्रह्म धर्म को पैदा करने का प्रयास करो अच्छा ये बताओ तुम अगर आजादी एक उत्तर देना मेरी बात का अगर तुम उस गुलामी के काल में पैदा होते जब देश आजाद नहीं हुआ था तो तुम किस साइड में होते किसी सरकारी नौकरी को खोज रहे होते या क्रांतिकारियों के साथ होते <गया> चारी था। चारी था। चारी। सच में सच में होते सोचना इस बात को अंत में बैठकर क्योंकि उस समय क्रांतिकारियों के साथ कोई नहीं था और क्रांतिकारियों को डाकू कहा जाता था अपने ही लोग अपने घरों में पनाह नहीं देते थे एक पैसा नहीं मिलता था पंडित राम प्रसाद बिस्मिल चंद्रशेखर आजाद इन्हें अपना क्रांतिकारी संगठन चलाने के लिए डकैतियां डालनी पड़ी थी आपको पता है उन्होंने डकैतियां डाली थी हुंडी बनाकर देकर आते थे कि इतना सामान तुम्हारे घर से ले आया आजादी की प्राप्ति के बाद जैसे ही स्वतंत्रता मिलेगी एक परसेंट ब्याज के साथ आपका धन वापस कर दिया जाएगा अब वो बात अलग है कि वो मर गए और किसी का धन वापस नहीं हुआ है यह अलग विषय है लेकिन वो बलिदान हुए इस देश के लिए और उस समय उन बलिदानियों के साथ कोई नहीं था तो ये भी याद रखना जो इस रास्ते पर चलता है ऋषि दयानंद ऐसे ही एक क्रांतिकारी थे जिन्होंने जब संसार में कोई उनके साथ नहीं था तब उन्होंने क्रांति का बिगुल फूक दिया आप आश्चर्य करोगे दुनिया में कोई तो उसके साथ था ही नहीं उसके अपने गुरु जी के घर में जब दोबारा गया गुरुकुल में जब दोबारा गया तो देखा गुरु जी... का पाठ कर रहे हैं जाकर गुरु जी को बोला देखो एक आदमी दुनिया में उसके पक्ष में था केवल एक उसके गुरु जी पाठ कर रहे थे जाकर बोले गुरु जी ये क्या कर रहे हो उन्होंने कहा ये तो मेरा नियम है क्रम है मैं तो इसे करता हूं तो कहा ये तो अनार्श ग्रंथ है आप तो अनार्श ग्रंथों के खिलाफ हो गुरुजी भी पक्के थे कहा पहले साबित करके अनार्श है दयानंद ने साबित कर दिया कि अनार से गुरु ने तुरंत उसे हटा दिया और उस पुस्तक को उसके बाद पढ़ना बंद कर दिया देखो दुनिया में केवल एक आदमी उसके पक्ष में था लेकिन सत्य के पक्ष में रहने के लिए उस आदमी की भी खिलाफत कर दी इसे कहते हैं क्रांतिकारी होना आप जानते हो रिवॉल्व करना क्या है रिवोल्यूशन क्या है रिवोल्यूशन कहते हैं क्रम से आगे पढ़ना संस्कृत में कहूं तो क्रमोपाद विक्षेप इस धातु से क्रांति शब्द निष्पन्न होता है और क्रांति का अर्थ होता है क्रम से चीजों को बदलना आगे बढ़ना अब अपने जीवन में यह सोचो क्या क्रांति के उद्देश्य समाप्त हो गए क्या आज इस देश को क्रांति की जरूरत नहीं है और हम क्रांति के मार्ग पर कितने बढ़ रहे हैं या बढ़ सकते हैं मैं क्या कर सकता हूं मेरी योग्यता क्या है अपनी योग्यता जांचो और इस योग्यता के हिसाब से काम करना शुरू करो जरूरी नहीं है कि तुम अच्छे वक्ता हो जरूरी नहीं है कि तुम अच्छे खिलाड़ी हो जरूरी नहीं है कि तुम अच्छे लेखक हो जरूरी नहीं है तुम अच्छे गायक हो जरूरी नहीं है तुम अच्छे नर्तक हो जरूरी नहीं है तुम अच्छी कास्ट शिल्प और लोह शिल्प जानते हो या स्वर्ण शिल्प जानते हो लेकिन तुम्हारे भीतर कोई ना कोई गुण तो जरूर है परमात्मा ने तुम्हें मनुष्य बनाया है तो संसार के सारे प्राणियों में तुम्हें विलक्षण जरूर बनाया है अपने उस गुण को पहचानो कोशिश करो उस गुण को पहचानने की और उस गुण को पहचान कर उस गुण के क्षेत्र में क्रांति पैदा करने की कोशिश करो क्रांति पैदा करने की एक आदमी गलत रास्ते पर चला जाता है लेकिन जैसे उसे गुण समझ में आए वो अपने क्षेत्र में चला जाए तो वो अद्भुत चीजें पैदा करता है यही हरियाणा में जींद में गुरुकुल है कालवा गुरुकुल हो सकता है कुछ लोगों ने नाम सुना भी कालवा गुरुकुल एक। इस कालवा गुरुकुल में एक छात्र पढ़ा यहां से जाकर खानपुर में पढ़ा कहीं और पढ़ा और बाद में उस लड़के को समझ में आया कि नहीं तेरी योग्यता तो व्यापार की है उसने व्यापार करना शुरू किया आज वो व्यापार करता है और उसका कई लाख करोड़ रुपए का टर्नओवर है लाख करोड़ रुपए का दुनिया उसे स्वामी रामदेव के नाम से जानती है उसने ऐसा बिजनेस खड़ा कर दिया कि जो बड़े बड़े बीटेक आई आई टी एमबीए आई आई एम के किए हुए उस उस भिखारी के सामने खड़े होकर भीख मांगते हैं वो आदमी नंगा रहता है कटिवस्त्र बांधता है उत्तरी ओढ़ता है उसके सामने खड़े होकर कहते भाई साहब एक नौकरी दे दो और वो नौकरी देता है किसी को तीन लाख रुपए महीना की किसी को पांच लाख रुपए महीना की वो नौकरी बांटता है दुनिया को नौकरी देता है अगर अपना गुण पहचान में आ जाए तो व्यक्ति क्या नहीं कर सकता एक छात्र खेलता था पढ़ने में थोड़ा कमजोर था दसवीं कक्षा में फेल हो गया दोबारा फिर फेल हो गया तीसरी बार भी शायद फेल हो जाता इसलिए उसने परीक्षा ही नहीं दी उसने कहा मैं खेलता हूं मैं खेलूंगा ही और वो खेलने लगा खेलने लगा तो दुनिया का क्रांतिकारी खिलाड़ी बना दुनिया उसे सचिन तेंदुलकर के नाम से जानती है सचिन तेंदुलकर ने दुनिया भर में उस खेल को स्थापित करने की कोशिश किया आज दुनिया उसे क्रिकेट का भगवान कहती है ऐसा जर्मनी में पहले विश्व युद्ध के बाद जब जर्मनी पूरी तरह तबाह हो गया तो एक सत्रह साल का लड़का उस सेना में भर्ती हुआ जर्मनी की और वहां जर्मनी में रहते हुए उस सत्रह साल के लड़के ने उस सेना में उसके पास बंदूक भी नहीं थी बंदूक नहीं दी गई थी उसे वो चिट्ठियां इधर से उधर भागकर दूसरों को पकड़ाता था तेज दौड़ता था इसलिए यह काम मिला था जर्मनी हार गया जर्मनी की दुर्गति हो गई उसका दस परसेंट भूभाग और तेरह परसेंट जनसंख्या तक को फ्रांस ने छीन लिया कुछ नहीं बचा जर्मनी के पास बर्बाद जर्मनी में इस लड़के ने किनारे पर बैठकर सोचा मैं मेरे देश के लिए क्या कर सकता हूं तो उसने कहा सेना में रहकर मैं कुछ नहीं कर सकता मैं अच्छा ओरेटर हूं बढ़िया वक्ता हूं मैं बढ़िया बोलता हूं डर नहीं है मेरे भीतर मैं इसी का उपयोग करूंगा ये दो गुण मेरे पास है मेरे भीतर डर नहीं है डरता नहीं किसी चीज से और मैं वक्ता अच्छा हूं इस लड़के ने परिश्रम करना शुरू किया सरकार ने इसके खिलाफ कार्रवाई की इसे दस साल की सजा हो गई जर्मनी के भीतर लेकिन इसने अपनी लड़ाई नहीं छोड़ी यह जमानत पर बाहर आया इसने लड़ाई को जारी रखा यह लड़ता रहा लड़ता रहा सत्रह साल बाद दूसरे विश्व युद्ध में यह जर्मनी का ताना हिटलर के नाम से जानती है अडोल्फ हिटलर के नाम से जानती है जो व्यक्ति अपना गुण जान जाए वो उसके चरम को छूता है इसलिए बालकों एक काम करना ए फोर एप्पल बी फोर बोल पढ़ने से बेटा कुछ नहीं होने वाला मैं तुम्हें सच कहता हूं ये टेन थीटा थीटा तुम्हारे काम आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता ये ये जो तुम पढ़ते हो ना न्यूटन जूल और पता नहीं क्या क्या ये W इज इक्वल टू एफ डी थीटा कभी तुमने सोचा कि किस कितने कोण से तुमने दरवाजे को खोला कितने न्यूटन का बल लगाया कितने जूल ऊर्जा पैदा हुई कितना कार्य हुआ कभी सोचा इसमें थीटा कितना था नहीं सोचते हो तुम काम करते हो तुम्हारे भीतर का विद्यमान गुण बिना तुम्हें जानकारी दिए उस काम को अंजाम तक लेकर जाता है इसलिए बसंत पंचमी को मनाने का मकसद यह है कि अपने भीतर इस जातृत्व के बोध को पैदा करो कि तुम्हारे भीतर ब्रह्म कितना हो सकता है इस ब्रह्म को बचाने की कोशिश करो क्षत्रिय को बचाने की कोशिश करो कि तुम्हारे भीतर छात्र बल कितना है तुम्हारे भीतर क्षत्रियत्व तो कितना है लड़कियां कॉकरोच देख के डर जाती हैं डर जाती है कि नहीं छिप देख के डर जाती हैं चीख मारती छिपकली और बाप रे डायनासोर आ गया क्या क्या हालत है तुम्हारी जैसी एक बेटी का पिता हूं मेरी बेटी अच्छा वो तो ऐसी नहीं है कि कोई उसे कुछ कहे रास्ते में मतलब छेड़ने वाले होते हैं कुछ कहे वो तो ऐसी नहीं है पर उसके साथ एक सुंदर सी लड़की जा रही थी उसे किसी ने रास्ते में कुछ कह दिया मेरी बेटी ने कोनी मारकर कहा कि ये तुझे कुछ कह रहा तो उसने कहा ऐसे लाख मिलते हैं इन मूर्खों के मुंह लगने का कोई नतीजा नहीं चल घर चलते हैं मेरी बिटिया ने कहा नहीं अगर आज मुझे इसने तेरे साथ देख लिया है तो इसकी हिम्मत बढ़ जाएगी आज तुझे कुछ कहा है कल मुझे भी कुछ कहेगा देख मैं तो नहीं जाऊंगी ऐसे वो उसके पास गई और से जाकर बोली भाई कल यहाँ खड़ा मत मिलना अगर कल यहाँ खड़ा मिला तो तेरे घुटनों की कटोरियां तब्दील करवा दूंगी यहां नहीं मिलना और वो वो नहीं माना वो लड़का था भाई वो अहंकारी था लड़की पिदी सी लड़की क्या कर लेगी मेरा वो अहंकार में अगले दिन भी खड़ा रहा लेकिन सच में उसके घटना की कटोरियां बदल गई बाद में मेरे पास विद्यालय से फोन आया कि आपके बालकों ने यहां बहुत मार पिटाई कर दी किसी के साथ मैं गया तो वो सब मना कर गए भोले मुख बालक होते हैं इस काम में जादूगरी हासिल होती है उन्हें दुर्घटना को अंजाम देके उसके बाद ऐसा निर्दोष मुख बनाते जैसे संसार में इससे भोला कोई नहीं है तो खड़े हो गए बोले ना हमने तो देखा भी नहीं इसे कभी समझ तो मैं गया मैंने अकेले में जाकर घटना का पता किया और मैंने भैया अपनी बिटिया को बिल्कुल नहीं डांटा उनसे कहा तुमने ठीक किया ठीक किया बस इतना कर लेती कि मुझे कॉन्फिडेंस में ले लेती माता पिता को बताए बिना कोई काम नहीं करो कुछ भी काम करो लेकिन उसमें तीन आदमियों की हिस्सेदारी जरूर होनी चाहिए माता की पिता की और अपने आचार्य की इन तीन की हिस्सेदारी होगी तो काम में गलती नहीं होगी मुझे बता दी मुझे बता देती तो शायद वो घुटनों की नहीं उसकी सारी कटोरियां बदली होती काम हल्का रह गया ना इसलिए अपने आप को सबल बनाओ मजबूत बनाओ शरीर से भी मजबूत बनाओ मन से मजबूत बनाओ और आत्मा से मजबूत बनाओ यही बसंत पंचमी के उत्सव को मनाने की सार्थकता होती है बहुत धन्यवाद आप लोगों ने बड़े ध्यान से मुझे सुना बहुत धैर्य से सुना